नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करूंगी ज्वाइंट फैमिली के बारे में कि ज्वाइंट फैमिली में रहने के बेनिफिट्स क्या हैं। और ये भी बताना चाहूंगी कि आजकल कोई ज्वाइंट फैमिली में रहकर खुश ही नहीं है, अपनी पकानी और अपनी खानी बस यही सब चाहते हैं। लेकिन आजकल जैसा माहौल हो गया है उसको देखते हुए ज्वाइंट फैमिली कितनी सेफ है इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी आज। तो सबसे पहले कि ज्वाइंट फैमिली में रहने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर एक कि हमारे घर के कामकाज में इतनी हेल्प हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे घर के काम किस तरह से निपट गए। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं दादा दादी यानी कि सास ससुर, देवरानी जेठानी, ननद देवर, किस तरह से हमारे घर के कामों में हमारी हेल्प हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। किसी ने आटा गूंधा, किसी ने सब्जी बनाई, किसी ने कपड़े धोए, एकदम से घर का काम निपट जाता है और घर का बोझ भी, घर के कामों का बोझ भी हमारे ऊपर नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ अगर बाजार से कोई चीज लानी है, अगर हम अकेले हैं तो हम या तो घर का काम करें या फिर बाजार से सामान लेने जाएं। और अगर हम ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो ऐसी कोई भी दिक्कत हमारे सामने नहीं आती। हम घर का काम निपटा लेंगे, कोई और मेंबर है वो घर से बाजार जाकर हमारा घर का सामान ले आएंगे, या कई बार मेहमानों ने हमारे घर आना होता है तो कितनी हमें तैयारी करनी पड़ती है जब किसी मेहमान ने हमारे घर आना होता है। ज्वाइंट फैमिली में कब हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, कितने अच्छे से हम मेहमान को भी अटेंड करते हैं, कितने अच्छे से हम उन सब के लिए सब कुछ कर लेते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहकर हमें इन सब चीज़ों का पता ही नहीं चलता। और दूसरी बात कि ज्वाइंट फैमिली में बच्चों का लालन पालन किस तरह से हो जाता है उसका हमें पता ही नहीं चलता। अकेले रहकर छोटे बच्चे होते हैं उनको अकेले से संभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर घर में दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं तो किस तरह से बच्चे सबकी गोद में जाकर किस तरह से कब बड़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। छोटे बच्चों की कितनी केयर करनी पड़ती है, कभी उनकी मालिश करो, कभी उनको फीड का टाइम हो रहा, कभी उनको दूध देना है, कभी उनको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाने को देना है। तो सिर्फ एक माँ ही अकेली बच्चे को नहीं संभाल सकती, उसके लिए हमें बहुत जनों की जरूरत होती है। और बहुत जनों के बीच में रहकर बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार भी मिलते हैं। दादा दादी से बच्चे अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं, उन्हें पता चलता है कि पहले भी इतना कुछ अच्छा हुआ करता था। राम सीता की कहानियां, कृष्ण की कहानियां और भी ऐसी कोई मोटिवेशनल कहानी होती है जो यानी कि एक माँ या तो घर का काम करे या बच्चों के इन सब के बारे में बताए। दादा दादी के साथ रहकर बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज्वाइंट फैमिली में रहकर बहुत हद तक हमारे खर्चे भी काफी कम होते हैं। खर्चे कम होने से मतलब कि जहाँ हमने चार बंदों के लिए, चार सदस्य हैं अगर हमारी फैमिली में, उसके लिए खाना बनाना है तो गैस भी उतना जलना है, सब्जी बनानी है, घी मसाले सब उतने ही डलने हैं। अगर उसके बजाय हमें छः का या आठ सदस्यों का खाना बनाना पड़े तो गैस की वेस्टेज उतनी ही होगी, घी मसाले भी उतने ही पड़ेंगे और वो सब बरकत में आ जाएगा। बरकत पड़ती है घर में अगर चार भाई एक ही फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, दुकान है उनकी, बिजनेस है उनका, तो अकेला बंदा बिजनेस नहीं संभाल सकता, बाजार में भी बहुत से काम करने पड़ने जा सकते हैं। अगर हम अकेले हैं तो पीछे से ये टेंशन रहती है कि कस्टमर वापस ना आ जाए, कस्टमर वापस चला जाएगा, दुकान पे आएगा, दुकान अकेली छोड़ दी। अगर हमारा बिजनेस इकट्ठा है, ज्वाइंट फैमिली में हम रह रहे हैं तो ऐसी कोई भी टेंशन नहीं होती, घर में आमदनी इकट्ठी आती है, उसमें बरकत पड़ती है। आप दुकान दूसरे भाई के भरोसे छोड़कर अपना काम बाजार वाला निपटा सकते हैं या बाहर टूर का काम है, तो ऐसे सब काम बहुत आसानी से हो जाते हैं ज्वाइंट फैमिली में। और एक अलग सी मेन बात है कि ज्वाइंट फैमिली में सुख और दुख दोनों का पता ही नहीं चलता। खुशी में तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं लेकिन दुखों में हमें पता ही नहीं चलता कि दुख हमारे ऊपर आए भी थे, क्योंकि हमारे साथ दुख बांटने वाले बहुत जने होते हैं। अगर हमारे ऊपर मुसीबत आई है हम अकेले उसका समाधान कैसे करेंगे? अगर तीन चार जने उस बारे में सोचेंगे, उस बारे में हमें सलाह देंगे तो हम बहुत जल्दी से रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगी। और सबसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि परिवार में रहने के बहुत फायदे। सबसे मेन बात है कि चोरी की घटनाएं जो आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, अगर हम ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो चोरी जैसी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि सभी सदस्य तो घर से बाहर नहीं जाएंगे, कोई ना कोई सदस्य तो हमेशा घर पे रहेगा ही, इसलिए चोर भी सचेत रहेंगे कि नहीं इस घर में चोरी नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो यहाँ पे हमेशा होता ही है, पकड़े जाएंगे। और जो मेन बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेन एकता में बल होता है, वो स्टोरी तो आपने सुनी होगी कि एकता में बल होता है। अगर हम इकट्ठे रहते हैं
तो कोई भी मुसीबत हमें जल्दी से नहीं हिला सकती, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन। कई बार मान लो चार ब्रदर हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, एक का बिजनेस अच्छे से नहीं चलता, वो अपने घर का गुजारा अच्छे से नहीं चला पा रहा, तो बाकी तीन हैं किस तरह से मिल बांट कर हम एक दूसरे का साथ देकर उनके घर के खर्चे में भी हाथ बटा देते हैं, तो उस तरह से पता ही नहीं चलता। एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार एक किसान था और उसके चार बेटे थे, और किसान को ऐसे लगने लगता है कि बस अब मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर ये अलग अलग हो गए तो क्या करूंगा मैं, ये कैसे रहेंगे। तो उन चारों को बुलाता है और कहता है कि जाओ एक एक लकड़ी लेकर आओ। वो चारों बेटे उसके जाते हैं और लकड़ी लेकर अपने पिता के पास वापिस आते हैं। वो कहता है कि अब चलो सब जने अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ो, क्योंकि वो लकड़ी एक एक होती है, वो सब एक एक लकड़ी लाते हैं, वो बहुत जल्दी से उसको तोड़ देते हैं। वो फिर कहते हैं उनको कि अच्छा आप जाओ, आप एक एक लकड़ी और लेके आओ। वो चारों फिर जाते हैं, फिर एक एक लकड़ी और लेकर आते हैं, और वो कहते हैं अब इन चारों लकड़ियों को तुम इकट्ठा करो। इकट्ठा करके एक बंडल बन जाता है, तो वो सबसे पहले अपने सबसे बड़े बेटे को बोलता है कि अब तुम इस लकड़ी को तोड़ो। वो बहुत कोशिश करता है, क्योंकि वो चारों इकट्ठी हो जाती है, बंडल बन जाता है, मजबूत हो जाती है, वो बहुत तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं टूटती। फिर वो अपने दूसरे बेटे को कहता है, उससे भी नहीं टूटती, फिर उससे अगले को, और फिर चौथे के बेटे को कहता है, तो वो लकड़ी का बंडल किसी से भी नहीं टूटता। तो वो किसान अपने बेटे को समझाता है कि देखो जब मैंने तुम्हें एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा तो तुमने उसे एक मिनट लगाया और तोड़ दी, लेकिन अब ये चारों लकड़ियां इकट्ठी हो गई हैं और इनका एक बंडल बन गया है और इनमें ताकत आ गई है, अब तुम इनको नहीं तोड़ पाए। ठीक इसी तरह से अगर तुम चारों मिलकर रहोगे तो कोई भी मुसीबत तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी, अगर आई भी तो उसका समाधान तुम सब जने मिलकर बहुत जल्दी ही हल कर लोगे। इसलिए हमेशा मिलकर रहना, कभी अलग मत होना, और मिलकर रहने के बहुत ही फायदे हैं। और ज्वाइंट फैमिली में रहने के लिए बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ज्वाइंट फैमिली के फायदे तो मैंने आपको बता ही है कि ज्वाइंट फैमिली में रहने के क्या क्या फायदे हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, बहुत हद तक हमारे खर्चे कम होते हैं, घर में काम का बोझ भी हल्का हो जाता है, एक जने को नहीं करना पड़ता, मिल बांट कर कब काम हो जाता है पता ही नहीं चलता। बिजनेस में भी और घर में भी हमारे तरक्की होती है, हमारा फायदा होता है। इसी तरह से अगर हमें संयुक्त परिवार में रहना है, ज्वाइंट फैमिली में रहना है, तो कुछ बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात कि हमें इग्नोर करने की आदत होनी चाहिए। ज्वाइंट फैमिली में रहने के लिए ये आदत हमें जरूर अपनानी पड़ेगी, इग्नोर करिए। अगर आप में इग्नोर करने की आदत होगी, कई बार क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, वो हमें सही गलत के लिए टोकते हैं, और कई बार हमारा मूड अच्छा होता है तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, और कई बार मूड बुरा होता है तो हम पलट के जवाब भी दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, उसे इग्नोर करना है कि ठीक है। दूसरी बात, सहनशीलता, आप में सहनशीलता होनी चाहिए। बच्चे हैं, आपस में खेल रहे हैं, दूसरे भाई के बच्चे ने दूसरे भाई को मार दिया, तो आपस में लेडीज कई बार बोल पड़ती हैं कि तेरे बच्चे ने मारा ये हो, तो घर में माहौल खराब हो जाता है। वो सब सहन करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को समझाइए कि नहीं बेटा, आपस में लड़ना नहीं, भाई बहन हो तुम, मिलकर रहना है। और तीसरी बात कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचिए और अपना ही भला मत सोचिए, अपने साथ साथ दूसरों की जरूरतों का भी ध्यान रखिए कि घर में बाकी भी जो मेंबर हैं, क्या मेरे ऐसा करने से उनको कोई तकलीफ ना हो, या मैं अगर कोई चीज ला रही हूँ तो अगर उनको भी जरूरत है तो मैं उनके लिए भी लेके जाऊँ। ज्वाइंट फैमिली में रहकर अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगी तो सच में बड़े मजे से हमारी लाइफ कटेगी और हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा कब जीवन का एंड हो गया, सच में। और मेन बात है कि बच्चों को भी इससे आदत बनती है मिलजुल कर रहने की, आपस में मिलकर खेलने की, बड़े होकर भी उनकी ये आदत अच्छी बनती है। और मेन बात लड़कियों के लिए, जिनको शादी करके आगे जाना होता है, उनको ससुराल में अगर बड़ी फैमिली मिले, अगर वो शुरू में ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते, न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं, तो लड़की को आगे जाके बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ज्वाइंट फैमिली में चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी सब होते हैं, सबके साथ मिलके रहने की आदत होती है, सबकी थोड़ी बहुत बातें सुनने की भी आदत होती है, चलो ठीक है आप बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, तो आगे जाके लड़की को प्रॉब्लम नहीं होती। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर दिया, और अगर नहीं किया तो जरूर करिए, और साथ में ये जो बेल वाला बटन है इसे भी जरूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, अगली बार फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई सोच लेकर, एक नया विचार लेकर।